आज हम मौजूद हैं उस्ताद राना अनीस की छत पर और देखते हैं उनके कबूतर। मेरे बाल में वापस गया और उस्ताद की तरफ गया। जी उस्ताद जी, ये कौन सा कबूतर है? टैडी बच्चा। एक जी ठीक है, इसके पर छोटे हैं। टैडियों का बच्चा है? हाँ। ठीक है, उस्ताद वाले 10 नंबर टैडी है। ये उस्ताद वाले 10 नंबर टैडी? हाँ, चौसा वाले। सही, कलर भी पूरा दे देते हैं। कि ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है उस्ताद, ये भी 10 नंबर टैडी उस्ताद चौधरी सखी के? वाह, उस्ताद वाले, उस्ताद वाले, यानी इसके उस्ताद वाले। ठीक, माशाल्लाह। ये कौन से हैं? ये भी टैडी। ये भी टैडी, इसके पर दिखाइएगा। ठीक है, कबूतरों के लिए 8 साल बच्चा, छोटे बच्चे भी बड़े भी, असू और साख और जेठ उठे हैं 7-7 बजे। 92 नंबर उस्ताद वाले, ये 92 नंबर 7-7 बजे तक बैठे हैं ये रात को? हाँ, रात को 7 बजे भी बाजियों में, जेठ में, असू में, साख में। सही, 92 नंबर है। सही, इसके पंजे दिखाइएगा। ठीक है, ये भाई है उसका, ये उसी कबूतर का भाई है। 92 नंबर। ठीक है, एक सेकंड, पंजे दिखाइएगा। ठीक है, ये सलारे टैडी हैं। अच्छा उस्ताद जी, अगर ये किसी ने सेल का ख़रीदने हो आपसे? नहीं। तो वो आप बेचेंगे? नहीं। अच्छा, ये सेल के लिए नहीं है? ठीक, सही भाई। ये छोटा भाई, उससे छोटा। ये उसका छोटा भाई है? हाँ, इसका भी सही। ठीक है, ये उनका सबसे बड़ा भाई है जो अभी आपने दिखाया है इससे पहले। माशाल्लाह, खूबसूरती की मिसाल है ये, अपना खुद ही अपनी अपनी मिसाल आपकी है। सही, माशाल्लाह। ठीक है, आप इसके साथ जोड़ा 92 नंबर, 92 नंबर और सलारों का क्रॉस में ये है। सही, सलारे 3 देखे हैं ना जो इससे पहले हमने 3 देखे हैं, ये उनके क्रॉस में से। हाँ, 92 नंबर और सलारों के क्रॉस बात है ये। ये भी सलारे है। करी चल राम एक तीन राम से।
ठीक है। ये फिरोजपुरी है, हाँ ये भी घर के हैं, प्योर हम उगाते नहीं है ऐसे। डैडी और दूसरों में क्रॉस डालते हैं इसका। सही, ये आप नहीं उड़ाते? अच्छा ये कौन से हैं? अब ये भी फिरोजपुर है, उसकी बहन है जो पहले देखी। प्रिंस बताओ क्या ना, जो हमारे 92 नंबर से बने हैं, 92 जो 92 नंबर है ना उनमें से ये बने हैं, 92 नंबर से ये बने हैं। उनका नाम प्रिंस है, वो गोल्डन डाले थे तो वही 92 में प्रिंस बने हैं, 92 में सही नाम रखा। ये प्रिंस है, ये भी प्रिंस है। माशाल्लाह ठीक है, ठीक है। 1994 में हम ये कबूतर उड़ाई थी, कबूतरी रात को 8 बजे सुगर मिल में, 7-8 बजे बाजू में बैठी है, ये उनमी नस्ल से उसी में से। ये 1992 की नस्ल आपके पास? 1992-93 में यहाँ पे बाजियों में उड़ाए हैं। सही, ये उन्हीं की नस्ल चलती हुई आ रही है। हाँ ये भाई है उसका, ये जो अभी आपने पहले दिखाया ये उसका भाई है। ठीक है, एक माता देखी है ना जी, ये भी उन्हीं में से है, ये फिरोजपुर में से माता है जो पहले देखी उसमें से निकाल जाओ अलहदा निकल आई है। सही माशाल्लाह। 7,000 गोल्डन, 7,000 का जोड़ा लिया था तो 35,000 मेरा था, दिया नहीं, मर गया माँ बाप उसका बच्चा। सही, ये आपने परचेज किया था? लिया था। सही, तो उसके बच्चे आगे से बच्चे हैं ये बहुत अच्छे हो गए। पंजे भी दिखा दें इसके, ठीक है। ये सारे कबूतर हैं राणा अनीस साहब के, जो मेरे उस्ताद हैं और बहुत पुराने कबूतरबाजी के शौकीन हैं, और इनके बहुत ज़्यादा शौकीन इस लाहौर में हैं। अनीस भाई जी, ये जो लोग शौकीन हैं जैसे कि आपके ये छत पे सामने जो चिड़ी मारी करते हैं, थोड़े शौक थोड़ी करते हैं जो चिड़ी मार रहे हैं, ये शौक इनकी वजह से बदनाम है। बदनाम है, चिड़ी मार है शौक। देखो छत पे तो पट्टी लगाई है, बस ठीक है, कोई आके बैठ गया उठ गया चला गया। जी बिल्कुल, बैठ भी जाए तो उस पर पकड़ा नहीं है। शौक एक लिमिट में करना चाहिए जो जिससे आपके आस पड़ोस के लोग तंग ना हो। जाल वगैरह रखते हैं बड़े बड़े, जाल रखना और 24 घंटे छत पे रहना।
ये देखें, ये है वो चिड़ी मार जनाब। ये तीन जाल आपको नज़र आ रहे होंगे, इनका 24 घंटे यही काम है, छत पे रहना और लोगों के कबूतर बस पकड़ते रहना। ओके फ्रेंड्स, ये थी राणा अनीस, उस्ताद राणा अनीस की छत। इंशाल्लाह अब आपको नेक्स्ट संडे किसी और छत से, किसी और छत का शौक करवाएंगे और उस्ताद अनीस हमारे साथ ही होंगे इंशाल्लाह ताला। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।